मैं उनको गॉड ही समझता हूँ, मेरे लिए वो गॉड ही है। मेरा नाम अजय कपूर, मैं गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ और सुनील नारायण का मैं काफ़ी बिगेस्ट फैन हूँ। फैन मैं बना था सर, भाई किसी ने मेरे को ऐसे बोला था कि नारायण साहब कैसे हो, तो वहीं से मैंने उस चीज़ को कैच किया और अपने आप को फिर जब साइड के शीशे से और देखना शुरू किया तो मुझको भी लगने लगा कि शायद मैं लगता हूँ, तो वहीं से फिर मैं उनके फ़ैन हो गया। 2 ईयर्स पहले मैं मुंबई IPL देखने गया था, तो वहाँ पे मैं KKR के थ्रू सपोर्ट किया गया था, मेरे पिक लिया गया था और नारायण सर के साथ में फ़ोटो लगाया था। तो वहाँ पे जब लोगों ने कमेंट्स करी थी तो एक कमेंट मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी कि बोथ आर ब्रदर्स बट मदर अनदर। शुरुआत तो हेयर स्टाइल से हुई थी वैसे, जब घर वालों को लगा ये बाल कैसे करवाए हैं, तो मैंने उनको फ़ोटो दिखाया लुक लाइक दिस हेयर स्टाइल, और तो टैटो भी मैंने ओरिजिनल बनवाया। स्टार्टिंग में मेरे को लगा था कि भाई घर वाले कुछ बोलेंगे टैटो के बारे में, तो मैंने उनको समझाया क्योंकि उनके उनके सामने भी ऐसी चीज़ हो चुकी है कि मैं उनके पेरेंट्स के साथ जा रहा हूँ तो लोग सेल्फी ले चुके हैं, तो वो समझते थे कि यार कुछ ना कुछ बात है लड़के में और इसीलिए लोग इसको फॉलो या प्यार दे रहे हैं। कई बार गाड़ियाँ भी बैक होके आ जाती हैं आर यू सुनील नारायण, बट मेरे को बोलना पड़ता है मैं लुक लाइक नॉट ओरिजिनल, तो फिर भी वो मेरे साथ सेल्फी लेके ही जाते हैं। मैं अभी इंडिया में जहाँ तक मैं घूमा हूँ ना, तो इंडिया का एक छोटा से छोटा बच्चा भी जानता सुनील नारायण, ये मैंने फील किया है। मैं बचपन से ही वैसे हार्ड वर्क हूँ, तो मैंने काफ़ी तक स्ट्रगल किया, मैंने न्यूज़पेपर भी बांटे हैं और उस न्यूज़पेपर में मैंने 9 या 10 साल के आसपास मैंने हॉकर का काम किया है, और उसमें मैंने सर सिर्फ 2 ही छुट्टी मुझे मिलती थी साल की, बट वहाँ मेरे को ऊपर वाले ने इतना वो दिया कि मेरी एक जॉब एक सूटेबल लग गई। तो मैं समझता हूँ कि अगर आदमी मेहनत करता है तो उसको सब कुछ मिल सकता है, तो ये मैं बचपन से ही समझ लो कि चीज़ को मैं जान गया हूँ, तो आज भी मैं इसी मेहनत में लगा हुआ हूँ कि सर को मैं कभी ना कभी फॉलो या मिल पाऊँगा। मेरी रोज़ होप रहती है आज मिलूँ, बट आएगा वो दिन, मैं वेट करने को तैयार हूँ, बट मिलना ज़रूर चाहूँगा। मैं सोचता हूँ तो मेरे आँख से आंसू निकल सकते हैं मैं उनसे मिलूँगा, क्योंकि मैंने बड़ा कठिन परिश्रम या वो झेला है कि मैं यहाँ तक आया हूँ उनसे मिलने, और मेरे को वो एक बार गले लगा लेंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगा सर, और दीपी कंपनी के साथ आया था, दर्शन हो गए।